दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि भारत साधु संतों और पीर फकीरों का देश है। यहाँ के लोगों में संतों के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान की भावना रहती है। इस भावना का कुछ ढोंगी संत फायदा उठाते हैं, तो कुछ सच्चे संत इस भावना का आदर कर भक्त के सभी तरह के दुख दर्द दूर करने के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही संतों में एक है शिरडी के साई बाबा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको साईं बाबा के जीवन से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। साईं बाबा ना हिंदू और ना मुसलमान, वह सिर्फ अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले बाबा है। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। साईं बाबा की वास्तविक पहचान और धर्म के बारे में उनके जीवन के पिछले वर्षों के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। बहरहाल, ऐसी ही जन्म तिथि एवं स्थान की तरह ही साईं के माता पिता के बारे में भी प्रमाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। श्री सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए पूर्वतक विवरण के अनुरूप उनके पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया एवं उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है। ये तर्क दिया जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद ले लिए गए थे। आगे चलकर उन्होंने स्वयं को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया। बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। उनके इस निवास के बारे में कुछ चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पर उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर तपस्वी जीवन बिताना शुरू किया। जब गाँव वालों ने देखा तो वे अचंभे में पड़ गए, क्योंकि इतने युवा व्यक्ति को इतनी कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो ध्यान में इतने अधिक लीन थे कि उनको सर्दी, गर्मी और बरसात का कोई एहसास नहीं होता था। दिन में उनके पास कोई नहीं होता था और रात में वो किसी से नहीं डरते थे। उनकी इस कठोर तपस्या से गांव वालों का ध्यान उनकी ओर खींचा चला गया और कई धार्मिक लोग नियमित रूप से उनको देखने आते। उनके प्रगतिकरण के साथ ही उनके चेहरे पर ब्रह्मज्ञानी सा तेज तथा लौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य का भाव चमक रहा था। दिन में वे सदा नीम के वृक्ष के तले बैठे रहते थे। एक दिन साईं बाबा अचानक गांव से कहीं चले गए और किसी को भी पता नहीं चला कि वे कहां गए। उनके इन शिरडी के गए हुए वर्षों के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा। साईं बाबा से पहली बार किसी ने पूछा कि वे नीम के वृक्ष के नीचे क्यों बैठे रहते हैं। तब उन्होंने एक कुदाल मंगवाकर पत्थर के नीचे स्थान खुदवाया, जहां एक द्वार दिखा जहां चार बड़े दीप जल रहे थे। ये एक तहखाने की तरह दिख रहा था। तब साईं बाबा ने कहा कि ये उनका गुरु स्थान है। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्तों ने उसे बाबा का तपस्या स्थल एवं गुरु की समाधि कहकर सदैव नमन किया। 1857 में अचानक प्रकट हुए साईं बाबा 3 वर्षों के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। उनके इन 3 वर्षों के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। 1860 को जब वे पुनः प्रकट हुए तो उन्हें एक आम वृक्ष के नीचे देखा गया था। उनके वापस शिरडी आने की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार चांद पाटिल नामक औरंगाबाद के धनवान मुस्लिम की घोड़ी रास्ते में कहीं गुम हो गई थी। निराश होकर 14 मील की थकान भरी यात्रा को तय करके वह लौट रहे थे। आम वृक्ष के नीचे बैठे फकीरों से वेश में साईं बाबा ने उन्हें आवाज देकर उनकी परेशानी का सबब पूछा। बाबा ने चांद पाटिल को नाले के समीप घोड़ी के चरते पाए जाने की भविष्यवाणी की, जो कि सच साबित हुई। साईं बाबा की कृपा से घोड़ी वापस मिलने पर चांद पाटिल ने उनसे कहा कि वह भी उनके साथ बारात में शिरडी चले। बाबा उनकी इस बात को मान जाते हैं और वह भी बारात के साथ शिरडी की ओर चल पड़ते हैं। साईं बाबा चांद पाटिल के साथ महालसापति के यहाँ बारात में गए थे। महालसापति ने उन्हें आइए साईं कहकर उनका स्वागत किया। तब से लोग उन्हें साईं कहकर संबोधित करने लगे। विवाह संपन्न होने के बाद बारात लौट गई, परंतु बाबा को वह जगह बहुत पसंद आई और वह वहीं जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहने लगे
और अंत तक वहीं रहे। इस मस्जिद को उन्होंने द्वारिका माई का नाम दिया। बाबा का निवास 60 वर्षों तक लगातार समाधि लेने तक वहीं था। बाबा ने यहाँ अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। द्वारका माई में जिस शिला पर बाबा विराजमान थे वे आज भी वहीं स्थित है। बाबा द्वारा प्रज्वलित पवित्र अग्नि धुनी भी यहाँ सदा जलती रहती है। बाबा की भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए साईं बाबा इसी धुनी से पवित्र उदी देते थे। साईं बाबा हमेशा लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते थे तथा एक दूसरे धर्म के खिलाफ बोलना और लड़ने की बजाय शांति से रहने की सलाह देते थे। साईं बाबा हमेशा प्यार संतोष और मदद में विश्वास रखते थे और उनका मूल मंत्र था श्रद्धा और सबरी। साईं बाबा समाज कल्याण की बात करते थे और भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। कुछ लोग साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन जिन्होंने साईं बाबा का चमत्कार देखा और उनका साथ देखा, वे लोग साईं बाबा को भगवान की तरह मानते थे और हमेशा साईं बाबा के साथ रहते थे। कुछ ही समय में दूर दराज क्षेत्र में साईं बाबा की ख्याति फैलने लगी। साईं बाबा ने सबका मालिक एक का नारा दिया था, सबका मालिक एक, जिससे हिंदू मुस्लिम सद्भाव बना रहे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अनुसरण किया। वो अक्सर कहा करते थे, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। वो हमेशा अपनी जवान पर अल्लाह मालिक बोलते रहते थे। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। साईं बाबा के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं साईं बाबा के कुछ ऐसे ही कार्य जिनको माना जाता है चमत्कार। कहते हैं साईं बाबा प्रतिदिन एक धर्म स्थल में दिया जलाया करते थे, जिसके लिए वो गांव के ही दुकानदारों से तेल भिक्षा में मांगते थे। एक बार उन्हें कहीं से भी तेल प्राप्त नहीं हुआ। उस दिन साईं बाबा ने दिया जलाने के लिए दिए में तेल की जगह पानी भर दिया। पानी से भी दिया तेल की तरह ही जलने लगा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब तेल बेचने वाले दुकानदारों तक ये बात पहुंची, तो वो साईं बाबा के पास आए और अपनी झूठ के लिए माफी मांगी। साईं बाबा ने उनकी गलती के लिए उन्हें माफ किया और कभी भी झूठ ना बोलने की सलाह दी। दूसरा चमत्कार, कहते हैं एक बार साईं बाबा का एक भक्त अपनी पत्नी को किसी दूसरे गांव से साईं बाबा के दर्शन कराने के लिए शिरडी आया था। वापस जाते समय बहुत तेज बारिश होने लगी और वो लोग परेशान हो गए। जब साईं बाबा ने उनको परेशान देखा तो कहा, मालिक बारिश रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। साईं बाबा की ये कहते ही बारिश बंद हो गई। तीसरा चमत्कार, एक बार एक बच्ची खेलते खेलते पास बने कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वो कुएं में डूब गई होगी तो उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की डूबी नहीं है बल्कि बीच में हवा में लटकी है। किसी अदृश्य शक्ति ने बच्ची का हाथ थामा हुआ है। वो लड़की साईं बाबा की भक्त थी और उसे बचाने वाले भी साईं बाबा ही थे। जब उस लड़की को कुएं से बाहर निकाला गया तो उसने अपने मुंह से एक ही बात कही कि मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। चौथा चमत्कार, कहते हैं एक बार साईं बाबा ने 3 दिनों के लिए समाधि धारण की थी, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपने भक्त महालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापिस ना लौटूं तो मेरे शरीर को साईं बाबा द्वारा बताई गई जगह पर दफना देना, लेकिन 3 दिनों तक मेरे शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। साईं बाबा की समाधि के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब साईं बाबा की सांसें थम गई। ये बात पूरी शिरडी में आग की तरह फैल गई। लोग बाबा का अंतिम संस्कार करने की बात कहने लगे। गांव में खूब विवाद हुआ, लेकिन महालसापति जी ने कहा कि वो 3 दिन तक बाबा के शरीर को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे और साईं बाबा का सिर वो अपनी गोद में लेकर 3 दिन 3 रात तक बैठे रहे। 3 दिनों की समाधि के बाद जब साईं बाबा ने आंखें खोली तो लोग खुशी से झूम उठे। पांचवा चमत्कार, कहते हैं एक बार साईं बाबा का हाथ जल गया था। तब गांव के ही भागोजी शिंदे साईं बाबा के हाथ में रोज घी लगाते थे और पट्टी करते थे। चूंकि भागोजी शिंदे एक कुष्ठ रोगी थे, लिहाजा साईं बाबा के भक्त चांदोरकर जी मुंबई से अपने साथ एक डॉक्टर लेके शिरडी पहुंचे ताकि साईं बाबा का इलाज अच्छी तरह से हो सके। लेकिन साईं बाबा ने डॉक्टर के इलाज कराने से मना कर दिया और भागोजी शिंदे के हाथों की घी और पट्टी करा उनका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। शिरडी में साईं बाबा ने कई चमत्कारिक घटनाएं दिखाई हैं जो एक साधारण इंसान के लिए करना नामुमकिन है। साईं बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, वो हमेशा अपने आप को मालिक का बंदा कहते थे। नाना साहेब चांदोरकर की पुत्री का सकुशल प्रसव। नाना साहेब चांदोरकर जब
जामनेर में तहसीलदार का पद सुशोभित कर रहे थे तो एक बार श्री बाबा की उदी का उन्हें भी विलक्षण अनुभव हुआ था। खानदेश जिले के जामनेर जैसे साधारण तथा सर्वथा अपरिचित गांव में जब वे कार्यवश निवास कर रहे थे तो उन्हें एक बार अति विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। उनकी लाडली बेटी मैनाताई प्रसव के लिए जामनेर आई हुई थी। दिन पूरे होते ही एकाएक उसकी अवस्था गंभीर हुई। लगातार 3 दिन प्रसव वेदना जारी रही। स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखाई न दी और सभी लोग चिंता में डूब गए। नाना साहेब तथा उनकी पत्नी ने श्री साईं बाबा का नाम स्मरण आरंभ किया। ठीक इसी समय शिरनी में बैठे बैठे श्री साईं बाबा ने अंतर ज्ञान से जान लिया कि उनका भक्त संकट में है। उन्होंने खानदेश में अपने गांव जाने के लिए उद्यत एक साधु रामगिर बुआ को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि गांव जाते समय मार्ग में जामनेर में थोड़ी देर ठहर कर नाना साहेब चांदोरकर के पास उदी और आरती की एक प्रति पहुँचा दे। रामगिर बुआ ने नम्रता से उत्तर दिया कि उसके पास केवल 2 ही रुपए बाकी है जो जलगांव तक ही रेल का किराया चुकाने के लिए पर्याप्त है। इस पर साईं बाबा ने ये कहा कि वह कोई चिंता ना करे, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। रामगार निसंदेह मन से श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार दोनों वस्तुएं लेकर चल दिए। जलगांव स्टेशन पर वे रात को लगभग 3 बजे उतरे। उस समय उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे। चिंता में व्याप्त हो रामगिर बुआ ये सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए कि तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर प्रश्न किया, शिरणी का रामगिर बुआ कौन है? रामगिर बुआ को जब ज्ञात हुआ कि नाना साहेब ने ही उस व्यक्ति को तांगा साथ लेकर भेजा है तो वे उसके साथ तांगे में बैठ जामनेर की ओर चल दिए और प्रातःकाल जामनेर पहुँचे। गाँव की सीमा के निकट पहुँचने पर रामगिर बुआ लघु शंका से निवृत्त होने के लिए थोड़ी देर के लिए तांगे से उतरे। वापस आकर देखा तो वे मनुष्य और तांगा दोनों ही अदृश्य हो चुके थे। इस घटना से रामगिर बुआ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकेले ही समीप एक कचहरी में प्रवेश कर उन्होंने नाना साहेब के संबंध में पूछताछ की और पूछते पूछते उनके घर तक पहुँच गए। रामगिर बुआ ने नाना साहेब को बतलाया कि श्री साईं बाबा की आज्ञा से वे शिरणी से जामनेर आए हैं। श्री बाबा की दी हुई उदी तथा आरती का कागज उन्होंने नाना साहेब को सौंप दिया। नाना साहेब ने पत्नी को बुलाकर श्री बाबा की भेजी हुई उदी उसके सुपृत कर दी। लड़की के कमरे में प्रवेश कर नाना साहेब की पत्नी ने घोल कर उसे वो उदी पिला दी और वह स्वयं श्री साईं बाबा की भेजी हुई आरती गाने लगी। श्री बाबा की उदी ने अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। कुछ ही देर बाद मैनाताई कुशलतापूर्वक प्रसव पीड़ा से मुक्त हो गई और एक संत बालक के रोने की आवाज वहां उपस्थित लोगों के कानों में गूंज उठी। सभी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से साईं के चरणों में अपने सर नतमस्तक कर दिए। रामगिर बुआ ने धन्यवाद देते हुए नाना साहेब से कहा कि उन्होंने ठीक समय पर अपना आदमी और तांगा दिया था, इसलिए वह ठीक समय पर उपस्थित हो सके। परंतु रामगिर बुआ के ये शब्द सुनकर तो नाना साहेब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि ये बातें उनके ध्यान में ही नहीं आई थी। अपनी पुत्री के लिए वे इतने अधिक चिंताग्रस्त थे कि ये सब कुछ करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। और वैसे भी नाना साहेब ने किसी भी व्यक्ति को तांगे के साथ स्टेशन पर नहीं भेजा था, क्योंकि रामगिर बुआ के जामनेर आने की कोई पूर्व सूचना तो उन्हें थी ही नहीं। तदंतर सभी उपस्थित लोगों ने उस गढ़वाली क्षत्रिय मनुष्य तथा उसके तांगे की पर्याप्त खोज की, परंतु उसका कहीं भी पता लगा ना सके। वास्तव में प्रत्यक्ष श्री साईं महाराज ही अपने भक्त के संकट को तारने के लिए वहां प्रकट हुए थे। श्री बाबा की लीलाएं ऐसी ही विस्मयकारी होती थी। इस घटना से नाना साहेब का श्री बाबा में विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। 7वां चमत्कार, डॉक्टर को समझ आई साईं उदी की महिमा। मालेगांव के एक प्रसिद्ध डॉक्टर का एक तरुण भतीजा हड्डी के क्षय रोग से ग्रस्त हुआ। स्वयं डॉक्टर साहब ने निजी प्रयत्नों से उसे स्वस्थ करने में कोई कसर न छोड़ी। अन्य प्रसिद्ध सर्जनों से विचार विमर्श किया गया। अंतिम उपाय के रूप में उस लड़के पर शल्य क्रिया भी की गई, परंतु रुपए में आना भर भी लाभ न हुआ। अंततः कुछ समझदार लोगों ने लड़के के माता पिता को किसी देवी उपाय का आश्रय लेने का परामर्श दिया और इस अभिप्राय से ही श्री साईं महाराज का उल्लेख किया। लड़के के माता पिता ने तुरंत ही शिरणी के लिए प्रस्थान किया और श्री साईं बाबा के चरणों में लड़के को डालकर उसे जीवन दान देने के लिए उनसे अनन्य भाव से प्रार्थना की। मुस्कुराते हुए लड़के की ओर देखकर श्री साईं बाबा बोले, इस द्वारिका माई का जिसने सहारा लिया उसे कभी भी कोई दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। आप किंचित चिंता न करें, ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखें और मेरी धुनी की उदी का रोग ग्रस्त स्थान पर सतत लेप करते रहें। एक सप्ताह में लड़का रोग मुक्त हो जाएगा। बालक के संबंधियों ने
श्री साईं बाबा का बताया हुआ उपचार करने का दृढ़ निश्चय किया। श्री साईं बाबा ने लड़के को अपने पास बिठाया, उसके शरीर के रोग ग्रस्त भाग पर प्रेम से धीरे धीरे हाथ फेर कर और एक क्षण के लिए एकाग्रचित हो उसकी ओर देखते हुए श्री बाबा ने पुनः बोले, ये मस्जिद नहीं वरन प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की द्वारावती है। यहाँ आने से सब दुख तथा पापों का नाश होना ही चाहिए। श्री बाबा के मुख से इतने आत्मविश्वास के साथ निकले हुए बोल असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। वह लड़का केवल 8 दिनों में पूर्णतः रोग मुक्त हुआ और श्री बाबा से उदी प्रसाद प्राप्त कर सब लोग हर्ष विभोर हो अपने गांव लौट गए। लड़के को बिल्कुल स्वस्थ देख उसके चाचा को जो स्वयं डॉक्टर थे बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसे एक चमत्कार ही समझा। कुछ दिनों पश्चात डॉक्टर साहब निजी व्यवसाय के कारण बम्बई जाने के लिए निकले। उन्होंने मार्ग में शिरडी में उतरकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का भी मन ही मन निश्चय किया। परंतु मालेगांव से मनमाड़ के मध्य मिले हुए कुछ मित्रों ने श्री बाबा के विषय में कुछ असत्य तथा मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर उनके मन को कलुषित कर दिया। अब शिरडी जाने का संकल्प त्याग कर डॉक्टर साहब सीधे बम्बई पहुँचे। वहाँ लगातार 3 रात सपनों में डॉक्टर साहब के कानों में कोई मनुष्य चिल्लाकर अब भी तुम्हारा मुझ में विश्वास नहीं है, ये शब्द स्पष्टता उच्चार करता रहा। स्वप्न में मिली हुई इस शिक्षा के बल पर डॉक्टर साहब ने शिरडी जाने का पुनः दृढ़ निश्चय किया। उस समय उनके पास उपचार के लिए आए हुए एक रोगी की अवस्था गंभीर थी, उसका ज्वर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मेरे रोगी का ज्वर यदि तुरंत ही दूर हुआ तो एक क्षण के लिए भी विलम्ब न कर शिरडी पहुँचूंगा। इस प्रकार मन में निश्चय कर नित्य की भांति डॉक्टर साहब रोगी को देखने के उद्देश्य से चल पड़े। आश्चर्य ये हुआ कि उस दिन रोगी का ज्वर नहीं आया, डॉक्टर साहब का पूर्ण समाधान हुआ। श्री बाबा कोई सामान्य व्यक्ति न होकर परम उच्च कोटि पर पहुंची हुई एक असामान्य विभूति है। ये दृढ़ भावना डॉक्टर साहब के मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने शिरडी पहुँचते ही नम्रता से श्री साईं बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं श्री साईं बाबा ने कुछ और लीलाएं दिखाकर द्वारिका माई की उदी में कितना प्रचंड सामर्थ्य भरा हुआ है ये प्रमाणों सहित सिद्ध कर दिखाया। डॉक्टर साहब तदंतर श्री साईं बाबा की सेवा में तल्लीन हुए, बहुत दिन शिरडी में रहे और उदी प्रसाद प्राप्त कर वापिस अपने गांव पहुंचे। मालेगांव पहुंचते ही उन्हें बीजापुर में एक उच्च पद पर नियुक्त होने की सूचना मिली। भतीजे का रोगग्रस्त होना एक निमित्त मात्र हुआ और डॉक्टर साहब को एक परम उच्च कोटि में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के साथ रहने का दुर्लभ अवसर मिला। ये सचमुच पूर्व जन्म का पुण्य का फल ही समझना चाहिए। 8वां चमत्कार। एक दिन गांव में भयंकर आंधी चली, आसमान काले बादलों से गिर गया, बिजली बड़े जोर से कड़कने लगी, सभी लोग इधर उधर भागने लगे, मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। सब लोग मस्जिद में इकट्ठे हो गए और उन्हें बचाव के लिए साईं बाबा से प्रार्थना की। भयंकृत लोगों को देखकर बाबा के मन में दया आ गई, वे तुरंत ही मस्जिद के बाहर आकर आसमान की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। बाबा की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, मंदिर और मस्जिद दोनों कांप उठे, लोगों ने कानों में उंगलियां डाल ली। वहां उपस्थित सभी गांववासी बाबा का ये अनोखा रूप देखकर दंग रह गए। बाबा की गूंज के साथ थोड़ी ही देर में हवा का जोर कम हो गया, बारिश का शोर भी थम गया। कुछ देर बाद काली घटाएं भी छटने लगी, आसमान में तारों के साथ चांद भी चमकने लगा, पशु और पक्षी भी अपने अपने घरोंदे की ओर लौटने लगे। बाबा का ये चमत्कार देखकर सभी गांववासी उन्हें नमन करके अपने अपने घर लौट गए। 9वां चमत्कार। एक दिन बाबा के धुने की अग्नि भड़क गई और उसकी लपटें इतनी ऊपर तक होने लगी कि लगा कि अब इस लपट से मस्जिद जलकर राख हो जाएगा। कुछ देर बाद भक्तों की बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए बाबा ने अपना चिमटा उठाया और धुनी के पास वाले खंभे पर जोरदार प्रहार करते हुए बोले, शांत हो जाओ। इस तरह हर प्रहार के साथ अग्नि की लपटें धीमी होती गई। कुछ देर बाद वे सामान्य दिनों की तरह ही जलने लगी। इस तरह लोगों के मन का डर भी शांत हो गया। साईं की शरण में आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक बार शिरडी में महामारी फैल गई थी, बात उस समय की है जब शिरडी में एक बार हैजा महामारी दूसरे गांव से आने लगी थी। लाखों लोग हैजा जैसी बीमारी के कारण मरने लगे थे और जब शिरडी में भी हैजा आने का डर लोगों को सताने लगा तो लोग साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा के पास लोग पहुंचे और समस्या को बताया तो साईं बाबा ने चक्की में गेहूं पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर लोग अचरज में पड़ गए। वहां पहुंची महिलाओं ने साईं बाबा से खुद गेहूं पीसने का काम ले लिया और उन्हें लगा ये आटा साईं प्रसाद स्वरूप बन रहा है। आटा पीसने के बाद साईं बाबा ने कहा कि ये आटा शिरडी की सीमा के चारों ओर लकीर के सामने डाल दो। लकीर बनाने के बाद सारे लोग यहाँ आए।
जब लकीर बनाकर लोग लौटे तो साईं ने कहा कि अब इस सीमा के पार से ना कोई बाहर से आए और ना कोई अंदर से जाए। साथ ही घर के अंदर कुछ दिन सभी लोग रहे। साईं बाबा की बात मान लोगों ने ऐसा ही किया और महामारी शिरडी में नहीं पहुंच पाई और साईं बाबा के चमत्कार से शिरडी के लोग हैजा जैसी महामारी से बच गए। डॉक्टर के साथ चमत्कार। जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर के दर्शन वैसे ही होते हैं। एक बार एक डॉक्टर किसी साईं भक्त मामलदार के साथ शिरडी इस शर्त पे आए कि वे साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम हैं। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे भी शीश नहीं झुकाते। दोनों किसी तरह शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई मस्जिद गए। मामलदार को अपने डॉक्टर मित्र को आगे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग भी आश्चर्यचकित थे। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय एकाएक कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम खड़े दिखाई दिए थे, इसलिए उन्होंने उनको नमस्कार किया था। जब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तत्क्षण ही श्री साईं बाबा को देख डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, कहीं ये स्वप्न तो नहीं, आखिर ये साईं बाबा कैसे हो सकते हैं? अभी तो यहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे, अरे ये तो पूर्ण योगावतार है। डॉक्टर ने अगले दिन ही उपवास करना प्रारंभ कर दिया और मनी मन कहा कि जब तक बाबा स्वयं उनको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वे मस्जिद नहीं जाएंगे। प्रण किए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन डॉक्टर के एक मित्र खान देश से आए और डॉक्टर अपने मित्र के साथ साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। दोनों ने बाबा को नमस्कार किया, तब बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको किसने बुलाया था, आप यहाँ कैसे पधारे। के प्रश्नों को सुनकर डॉक्टर का हृदय पिघल गया। उसी रात बाबा ने डॉक्टर पर कृपा दृष्टि की तो डॉक्टर की शयनावस्था में परम आनंद की अनुभूति हुई। बाद में श्री साईं बाबा के प्रति डॉक्टर की भक्ति प्रागण हो गई। आइए अब हम आपको साईं बाबा और दास गणों की कथा के बारे में बताते हैं। गणेश दत्तात्रेय शस्त्र बुद्ध कैसे बने दास गणों महाराज। उनका मूल नाम गणेश दत्तात्रेय सहस बुद्ध था। उनका जन्म 1867 में हुआ था और उनके लंबे कान होने के कारण उनके दादाजी ने उनका नाम गणेश रखा था। आप जानते हैं कि जब दास गणु पहली बार साईं बाबा से मिले तो साईं ने उनसे कहा, अपनी नौकरी छोड़ो। दास गणु पुलिस विभाग में थे और एक अधिकारी बनने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी थे, लेकिन साईं के पास उनके लिए अन्य योजनाएं थी। गणु ने बाबा से कहा, बाबा जब मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा ने बस इतना ही कहा, जब तक आप सेवा में होने का परिणाम नहीं भुगतेंगे तब तक आप मेरी बात नहीं समझेंगे। जब भी दासगणों को अपने विभाग में किसी समस्या का सामना करना पड़ता था तो वे साईं बाबा की पूजा करते थे और साईं उनके बचाव में आते थे। आखिरकार एक बार बड़ी दिलचस्प घटना घटी। दासगणों पंढरपुर के विठ्ठल के परम भक्त थे और वे काम से छुट्टी लेकर पूरे भारत में मंदिरों की यात्रा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वे छुट्टी पर थे तो जिस क्षेत्र में वे काम करते थे वहाँ के इंस्पेक्टर का कुछ चोरों ने कीमती सोने हीरे का हार चुरा लिया। जब गणू काम पर लौटे तो अधिकारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और इन चोरों को पकड़ना होगा। गणू आधिकारिक तौर पर कहीं जा रहे थे और अचानक उन्होंने नदी की दूसरी ओर कुछ चोरों को देखा। उन्होंने नदी पार करने और इन चोरों को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन चोरों ने उन्हें नदी पार करते हुए देख लिया और भागने की कोशिश की। इस बीच गणू ने अपनी हथेली में पानी लिया और साईं बाबा से प्रार्थना की, बाबा कृपया मुझे इन चोरों को पकड़ने का आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये कार्य पूरा कर लेने और अपने अधिकारी से अच्छा नाम पाने के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। मानो साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गणू को जल्दी से नदी पार करने की ऊर्जा मिल गई और उन्होंने अपराधियों को भी पकड़ लिया। उनके अधिकारी ने भी उनकी सराहना की। बाद में दास गणू को पदोन्नति मिली और उनका कार्यस्थल मनमाट के पास एक शहर में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके काम पर शामिल होने के लिए शिरडी गांव पार करना पड़ता था। गणू ने मन में सोचा, अगर रास्ते में बाबा मिलेंगे तो वे हमेशा की तरह नौकरी छोड़ने के लिए कहेंगे, तो चलो इस बार मैं उनसे मिलने से बचता हूँ और गांव को पार करके तांगे में आगे बढ़ने का फैसला लिया। तीनों लोगों पर राज करने वाले संत से कौन बच सकता है। जब दास गणू तांगे में बैठकर जा रहे थे तो एक और खड़े साईं बाबा ने उन्हें वहां से जाते हुए देख लिया। जिस घोड़ा गाड़ी में गणू जा रहे थे वे तेज गति से चल रही थी, लेकिन जब वे शिरडी पार कर गई तो गणू को पता चला कि साईं बाबा ने उन्हें देख लिया है। उन्होंने तांगे वाले को रुकने को कहा और उतर गए। बाबा ने दास गणू के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें द्वारिका माई के पास ले गए। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो साईं ने कोने में बैठ गए और दास गणू ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने सहजता से पूछा, गणू क्या मैंने तुमसे ये वादा करने को कहा था कि तुम नदी के बीच में खड़े होकर नौकरी छोड़ दोगे। गणू
तुरंत समझ गए कि साईं बाबा का क्या मतलब था। हम सब साईं बाबा के साथ यही करते हैं। जब हमारा समय खराब होता है तो हम साईं बाबा की तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है और हम उस समय कुछ भी स्वीकार करने और करने के लिए तैयार रहते हैं। तब दासगणु कहते हैं, बाबा मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। पुलिस विभाग में हवलदार बनना मेरे जीवन भर की महत्वाकांक्षा है। आपकी कृपा से मुझे प्रमोशन मिल गया, इसलिए एक बार जब मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा ने उसे उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें अपने कल्याण के लिए पद छोड़ने के लिए कहता हूँ और उसे जाने देता हूँ। एक बार फिर गणु को अपने काम में दिक्कत का सामना करना पड़ा। अंततः गणु को एहसास हुआ कि श्री साईं बाबा ने वास्तव में उससे अपना करियर जारी नहीं रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने भजन करके साईं की महिमा का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। साईं ने उन्हें नादेंड में रहने का आशीर्वाद दिया। साईं ने उनकी जरूरतों का ख्याल रखा और गणु ने बस भगवान और सर्वकालिक महान संत साईनाथ की सेवा की और इस प्रकार उन्होंने ख्याति प्राप्त की। गणु ने साईं बाबा की महिमा फैलाने के लिए महाराष्ट्र भर के सैकड़ों शहरों और गांवों की यात्रा की। मुंबई के लोगों को दास गणु द्वारा विभिन्न संतों के जीवन के बारे में सुंदर व्याख्यान, उनके रामायण खेलने के तरीके और साईं लीला की उनकी अभिव्यक्ति से साईं के बारे में पता चला। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। साईं बाबा का भक्त कहीं भी रहता हो, बाबा उसकी मदद करने के लिए तत्काल ही उपलब्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बीजाबाई के पुत्र थे और बाजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। साईं बाबा उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे, किंतु साईं बाबा उन्हें कहते थे कि वे उनके बड़े भाई हैं। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही थी। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। साईं बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले ही तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार उन्होंने विजयदशमी के दिन अपनी देह त्यागी थी। तो इस प्रकार साईं बाबा ने अपने भक्त तात्या को जीवन दान देते हुए खुद की देह त्याग दी। साईं बाबा के चले जाने के बाद भी उनके भक्तों को बाबा के होने की अनुभूति होती रहती है। यदि आप भी बाबा के प्रति भक्ति रखते हैं तो बाबा आपको इस बात की सूचना तुरंत ही दे देंगे कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। आइए अब हम शिरडी में साईं बाबा के अनन्य भक्तों के बारे में भी जानते हैं, जो हर वक्त साईं बाबा की भक्ति करते थे और उन्हें अपना भगवान मानते थे। बाईजाबाई और कोटे पाटिल। बाईजाबाई को बाबा के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति थी। वह भोजन बनाकर बाबा के पास ले जाती थी। वह उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी। उन्होंने प्रण कर लिया था कि जब तक साईं बाबा भोजन नहीं करेंगे तब तक वह भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि वह एक टोकरी में भोजन लेकर जाती थी और उन्हें खिलाने के लिए उनकी तलाश करती थी। तात्या कोटे पाटिल। तात्या कोटे पाटिल का बाबा के साथ एक अनोखा रिश्ता था और 7 साल की उम्र से वे उनके संरक्षण में थे। वह साथ साथ खेलते और मौज मस्ती करते। तात्या बाबा की पीठ पर चढ़ जाते और उनकी गोद में बैठ जाते। बाबा के इतने करीब होने के कारण उन्हें वह विशेष अधिकार मिले जो बहुत कम लोगों को मिलते थे। केवल उन्हें और मालसा पति को मस्जिद में बाबा के साथ सोने की इजाजत थी और ऐसा उन्होंने 14 साल तक किया, जब तक कि उनके पिता की मृत्यु नहीं हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें घर जाने के लिए मजबूर कर दिया। महालसा पति। महालसा पति शिरणी गाँव के किनारे खंडोवा मंदिर के पुजारी थे। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी पहुंचे तो उन्होंने ही युवा फकीर का इन शब्दों के साथ स्वागत किया, आओ साईं। इस प्रकार उन्हें साईं का प्रिय नाम दिया गया। साईं बाबा महालसा पति को भक्त कहकर पुकारते थे। माधव राव देश पांडे उर्फ श्यामा। श्यामा बाबा के सबसे घनिष्ठ भक्तों में से थे। उन्हें बाबा का नंदी माना जाता था और वे उनके निजी सचिव की तरह काम करते थे। बाबा ने एक बार श्यामा को बताया था कि वे 72 पीढ़ियों से एक साथ है। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तब उनके माता पिता निमोन 5 किलोमीटर दूर से शिरडी चले आए थे। वे मस्जिद के बगल के एक कमरे में स्कूल शिक्षक बन गए थे। लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शिंदे शिरडी की एक धनी महिला थी जो दिन रात मस्जिद में काम करती थी।
भगत मालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई को छोड़कर किसी को भी रात में मस्जिद में कदम रखने की अनुमति नहीं थी। बाद में उसने बाबा के लिए भोजन तैयार किया और बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें परोसा। बाबा उनके बहुत आभारी थे और उन्होंने उसे रुपए का उपहार देकर अपना आभार व्यक्त किया। समाधि लेने से पहले 9, जो एक अच्छे भक्त की 9 विशेषताओं का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने उन्हें 9 सिक्के दिए थे। भागोजी शिंदे। भागोजी शिंदे एक प्रकार से बाबा के सेवक थे जो उनकी नियमित सेवा में लगे रहते थे। वे प्रातःकाल मस्जिद में प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे और प्रतिदिन बाबा की दाहिनी बांह की मालिश करते थे और फिर उनके शरीर की। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और फिर भी वह साईं बाबा के सबसे करीबी लोगों में से थे। वे साईं बाबा को छाया देने के लिए छत्र लेकर लैंडी गार्डन तक उनके साथ गए। एक बार साईं बाबा को धुनी में हाथ डालते समय चोट लग गई। भागोजी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने घाव पर पट्टी बांधी और घाव ठीक होने के काफी समय बाद तक उन्हें कपड़े पहनाए। नाना साहेब चांदोरकर। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के सबसे प्रमुख भक्तों में से एक थे। वे सुशिक्षित और ब्राह्मण थे, पेशे से डिप्टी कलेक्टर। उन्हें बाबा द्वारा सीधे श्रीनी बुलाए गए बहुत कम भक्तों में से एक होने का गौरव प्राप्त था। गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमांड पंत। श्री साई सच्चरित्र नामक कृति के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अन्ना साहेब दाभोलकर को 13वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि के बाद साई बाबा ने हेमांड पंत कहा था। उनका काम साई बाबा के जीवन और दर्शन में एक महान अंतर्दृष्टि है। गोली बुबा। पंडरपुर के भगवान विठल कृष्ण के भक्त थे। वह पंडरपुर के वारकरी नियमित आगंतुक थे। जिस प्रकार वे हर वर्ष पंडरपुर जाते थे, उसी प्रकार वे हर वर्ष एक बार श्रीनी भी जाते थे। वे बाबा से बहुत प्रेम करते थे। वे बड़ी नम्रता से बाबा की ओर देखते हुए कहते, ये तो दीन दुखियों के रक्षक पंडीरनाथ अवतार है। तो ये थी बाबा के कुछ अनन्य भक्तों की जानकारी जिन्होंने उनके श्रीनी में रहते हुए उनकी जी भरकर सेवा की और चमत्कारों का आनंद उठाया। अगर बात की जाए साईं बाबा के मंदिरों की, तो दुनिया भर में साईं बाबा के कई मंदिर हैं। बाबा को समर्पित इन मंदिरों में रोजाना सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और श्रद्धा के साथ भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा के इन मंदिरों में दर्शन से भक्तों की मुराद पूरी होती है। देश में साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर शिरडी में माना गया है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी साईं बाबा के कई मंदिर हैं और इनका महत्व भी कम नहीं। तो आइए आपको देश के स्थापित साईं मंदिरों के बारे में बताते हैं। अगर ये कहा जाए कि श्रीनी नगर की पहचान साईं बाबा के मंदिर के कारण है, तो ये गलत नहीं होगा। आज वर्तमान में लाखों की संख्या में भक्त साईं बाबा की समाधि स्थल मंदिर दर्शन करने आते हैं। मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित श्रीनी का साईं बाबा का घर माना जाता है। श्रीनी वाले साईं बाबा का मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिला के राहता तहसील के श्रीनी में स्थित है। श्रीनी अहमदनगर मनमाड़ राजमार्ग पर स्थित है। ये नगर मनमाड़ से 65 किलोमीटर जबकि जिला मुख्यालय अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। श्रीनी में साईं बाबा मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साईं बाबा के निधन के 4 साल बाद ये मंदिर बनाया गया था। मंदिर का निजी स्वामित्व श्रीमंत गोपाल राव के पास था, जो नागपुर के 1 करोड़पति थे। वे साईं बाबा के बड़े भक्त थे। उनके निधन के बाद मंदिर बनाने का फैसला किया गया। फिलहाल मंदिर का स्वामित्व और संचालन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास है। मंदिर परिसर का नवीनीकरण वर्ष 1998 से 1999 में किया गया था और अब ये दर्शन लेने, प्रसादालय, दान काउंटर, प्रसाद काउंटर, कैंटीन, रेलवे आरक्षण काउंटर, बुक स्टॉल आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। आवास सुविधाएं हैं संस्थान द्वारा भी प्रदान किया गया है। बाबा जी का मंदिर भोर में 4 बजे दर्शन के लिए खोल दिया जाता है और रात्रि में 10:30 बजे के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। मुख्य समाधि मंदिर में कुल 5 बार साईं बाबा की आरती की जाती है। आप आरती की बुकिंग श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट श्रीनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को शाम में बाबा की पालकी निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस पालकी को श्रीनी नगर में घुमाकर द्वारिका माई लाया जाता है। हम आपको ये बता दें कि साईं बाबा का विशेष दिन गुरुवार बृहस्पतिवार को कहते हैं। हिंदू मान्यता और सनातन धर्म में साधु गुरु या संतों की विशेष पूजा के लिए बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन की मान्यता होती है। तो अगर आप भी साईं बाबा के भक्त हैं, तो शिरडी जाकर साईं बाबा के मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। श्री साईं जन्मशान मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा का जन्म पथरी नामक गाँव में हुआ था। इस मंदिर में 5 तरह की साईं आरती प्रतिदिन होती है।
जुलाई और अक्टूबर के महीने में इस मंदिर में साई बाबा महासमाधि उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में हर धर्म जाति के लोग आकर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। दिल्ली के लोधी रोड में स्थित श्री शिरडी साई मंदिर, ये मंदिर भारत के खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। इस मंदिर में दीवारों पर वास्तुकला की गई है। ये मंदिर सड़क के किनारे स्थित है। सड़क के किनारे स्थित होने के कारण हर श्रद्धालु एक बार भगवान का दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा करते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन 7 तरह की आरती की जाती है। गुरुवार के दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शाम में साईं बाबा की आरती धूप जलाकर की जाती है। माइलापुर का शिरडी साईं बाबा मंदिर, चेन्नई के माइलापुर में स्थित ये शिरडी साईं मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में माला, कपड़ा तथा प्रसाद चढ़ाने की स्वतंत्रता है। ये मंदिर 5 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 से 4 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है। इस मंदिर में नियमित रूप से अन्नदान और प्रसाद वितरण होता है। ये मंदिर विशाल मंदिर में से एक है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित शिरडी साई मंदिर, ये मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। इस मंदिर में हर साल काफी मात्रा में पर्यटक भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में अंदर घुसते ही साईं बाबा की मूर्ति आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ती है। मंदिर में रामनवमी, विजयदशमी और गुरु पूर्णिमा में महोत्सव मनाया जाता है। मंदिर के अंदर तरह तरह के अनुष्ठान, पूजा, कीर्तन, भजन होते रहते हैं। रामनवमी के दौरान इस मंदिर में कलश यात्रा निकाली जाती है। गुरु पूर्णिमा में सुबह की शुरुआत हवन के साथ होती है। हवन होने के बाद भगवान श्री गणेश की भी पूजा की जाती है, जिसके बाद शिरडी वाले साईं बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत में साईं बाबा के 5 प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हमने इस वीडियो में आपको श्री साईं बाबा के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है और उनके मंदिरों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञान से भरी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। धन्यवाद।